दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अब्दुल कलाम साहब को ना जानता हो। वो एक IISc बैंगलोर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका पेपर देने गए थे तो पहली बार में वो रिजेक्ट हो गए थे। अब सोचो, इतना बड़ा साइंटिस्ट यदि पहली बार में रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिजेक्ट इसलिए हुआ कि पेपर बहुत टफ था। उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर से करेंगे और तैयारी करेंगे और सक्सेस होंगे। और आज कौन नहीं जानता है उनको, वो आप सब लोग जानते हैं।